अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड फैमिली, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मालिक हम सबको अपने ज़मान में रखे। आपका भाई आपका दोस्त असद मलिक एक दफा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। अच्छा जी दोस्तों, आज की जो वीडियो है मेरी वो बेसिकली जो है वो मेरे अपने बारे में, मेरे खुद के बारे में, मेरी क्या क्वालिफिकेशन है, मेरी क्या अचीवमेंट्स हैं, मेरा बैकग्राउंड क्या है और मेरी क्या लाइफ के अंदर मेरी क्या स्ट्रगल्स रही हैं, इन सब के बारे में जो है मैं आज आपको बताना चाहूंगा। अब वजह यह है कि जो लोग मुझे करीब से जानते हैं या जो मेरे दोस्त अहबाब हैं या जो रिश्तेदार हैं उनको सबको तो पता है कि मेरी क्या अचीवमेंट्स मेरी लाइफ के अंदर रही हैं और मेरा क्या एक्सपोजर रहा है, उनको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली बात है कि जब आप किसी सोशल मीडिया के ऊपर आप ऑन एयर होते हैं और सोशल मीडिया के ऊपर आप वर्किंग कर रहे होते हैं, आप सोशल मीडिया पे एक पब्लिक पर्सनैलिटी बन जाते हैं, तो फिर बहुत सारे नए लोग भी आपसे मिलते हैं और नए लोग आपको अप्रोच करते हैं। तो अब हर बंदा आपको नहीं जानता होता है, ना उसको आपके बैकग्राउंड का पता होता है, ना आपके अचीवमेंट्स का पता होता है और बहुत सारे जहन में डाउट्स होते हैं। उन सारे डाउट्स को क्लियर करने की वजह से मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं कि जो मेरे देखने वाले हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं या जो लोग मुझे सुनते हैं, मुझे पसंद करते हैं, उनको पता होना चाहिए कि मैं जो बातें इतनी बड़ी बड़ी बैठ के कर रहा होता हूं और इतनी मैं रिसर्चेस सामने ला रहा होता हूं, उसके पीछे क्या स्ट्रगल मेरी रही है, उसके पीछे मेरी क्या वर्किंग रही है, ये सब मैं जो है बताना चाहता हूं। इसकी एक वजह और भी है वीडियो बनाने की, वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्या वजह रही है, क्यों मेरा ध्यान ज्यादा इस तरफ आया कि मैं जो है अपना एक इंट्रोडक्शन, अपना एक बायोडाटा, एक समझ लें कि बायोग्राफी अपनी जो है आप लोगों को बताऊं। तो स्टार्ट करते हैं, चलें जी वीडियो को, टॉपिक की तरफ आते हैं। अच्छा जी दोस्तों, मेरा नाम है असद मलिक आदिल, आई एम एन स्ट्रगलिंग एंटरप्रेन्योर। और स्टार्ट करते हैं बिल्कुल अर्ली एज से, मैंने कब से कंप्यूटर की फील्ड में मैं कब आया और कब से मैंने कंप्यूटर का मेरा शौक जो है वो कब से स्टार्ट हुआ। तो 97-96 के अंदर जो है मैंने फर्स्ट टाइम जो है कंप्यूटर अपने यूज करा और कंप्यूटर को मैंने फर्स्ट टाइम जो है ऑपरेट किया स्कूल के अंदर अपने, और मेरे ख्याल से क्लास 5 थी मेरी। उस वक्त जो है सिस्टम्स इतने ज्यादा आए नहीं थे और ब्लैक एंड व्हाइट जो है मॉनिटर्स होते थे, 486 कंप्यूटर उस वक्त होता था, उस पर मैंने जो है डॉस के ऊपर वर्किंग करना स्टार्ट की थी, जो फर्स्ट टाइम मैंने वर्किंग करी। उसके बाद फिर जो है थोड़े कुछ अरसे के बाद, साल डेढ़ साल के बाद जो है 95 विंडोज आ गई थी और सिस्टम आ गए थे, नॉर्मल पेंटियम सिस्टम आ गए थे, तो फिर मैंने उसके ऊपर काम करना शुरू किया। और मैंने जब बिल्कुल स्टार्ट किया था 486 सिस्टम से काम करना, तो उसी वक्त मुझे जो है इसमें सिस्टम के अंदर काम करने में बहुत मजा आया, मुझे ये सब्जेक्ट जो है बहुत ज्यादा पसंद आया और मेरा बड़ा इसमें मेरा जो है ना दिल लगा इस सिस्टम के अंदर। तो मैंने उसी वक्त सोचा कि यार मैं इसी चीज को जो है अपनी आगे कंटिन्यू करूंगा और मैं इसी फील्ड के अंदर आगे बढ़ूंगा। इसको करते 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 98 विंडोज आई और उस वक्त ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर्स हुआ करते थे, उस पर हम लोग जो है ऑपरेटिंग सारा सिस्टम जो है वो सीखते थे। एमएस ऑफिस मैंने उस वक्त सीखा और इसके अलावा जो है कंप्यूटर को ऑपरेट कैसे करना है, विंडोज कैसे ऑपरेट करनी है, ये सब चीजें उस वक्त इतनी ज्यादा 97-98 के दौर की बात बता रहा हूँ, उस वक्त इतनी कॉमन नहीं थी और बहुत ही कम जगह, बहुत ही जो है मतलब खास लोगों के यहाँ जो है कंप्यूटर का सिस्टम हुआ था, घरों में तो होते नहीं थे, कुछ लिमिटेड स्कूल्स थे उनमें होता था। तो हम जो है शुरू से मैं कहूंगा कि मैं शायद बहुत खुशकिस्मत रहा कि जो है बड़ी अच्छी मुझे एजुकेशन जो है मेरे वालदैन ने मुझे दी और मुझे जो है सीखने का जो है बहुत ज्यादा जो है मुझे चांसेस मिले। अच्छा तो फिर दोस्तों हुआ ये कि जो है कंप्यूटर की फील्ड को मैंने जो है अपने जहन में बिठा लिया और मैंने अपना एम बना लिया कि मैं इसी फील्ड को, इसी से टेक्नोलॉजी की रिलेटेड फील्ड को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। उस वक्त लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं होता था लेकिन मैंने बड़ा इसमें इंटरेस्ट लिया और फिर मैंने अपनी जो मेरी पहली इंटर्नशिप कह लें या मेरी पहली जॉब कह लें या मेरी पहली कोचिंग कह लें, वो मैंने 9th क्लास के अंदर, जो हमारे 9th क्लास में छुट्टियां पड़ती हैं जून जुलाई की 2 महीने की, उसमें मैंने फिर जो है एक मेरे रिलेटिव का इंटरनेट कैफे था, वहां पे जो है जाना मैंने शुरू करा, उसको मैंने ज्वाइन किया और वहां पे फिर मैंने सारा कंप्यूटर का रिलेटेड हार्डवेयर असेंबलिंग, सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग, नेटवर्किंग, ये तमाम चीजें मैंने वहां सीखी। उस वक्त इंटरनेट इतना ज्यादा कॉमन नहीं था और कैफेज वगैरह, नेट कैफेज वगैरह बने होते थे, लोगों को कोई जो भी काम होता था उस वक्त वो जाके नेट कैफेज वगैरह पे जाके करते थे, तो मैं उसका उस वक्त पूरा नेट कैफे जो है मेरे रिलेटिव थे उनका, वहां मैं काम सीखता भी था और उसका नेट कैफे जो उनका जो है पूरा वो संभालता भी था, वहां से मैंने काम सीखना स्टार्ट किया। उसके बाद फिर दोबारा से छुट्टियां खत्म हो गई, स्टडीज स्टार्ट हुई, मैट्रिक में आ गया, फिर मैट्रिक में दोबारा जून जुलाई की जब 2 महीने की जो है ऑफ हुई तो मैंने फिर दोबारा से जो है मैंने सोचा कि कुछ इसमें जो है ना काम कुछ 2 महीने में किया जाए, कुछ सीखा जाए। तो मैंने उस वक्त जो है फिर मोबाइल के हवाले से मैंने जो है एक शॉप थी, मैंने वहां पे बैठना शुरू करा, सरीना मोबाइल मार्केट, अगर आप लोगों ने नाम सुना हो कराची के अंदर सरीना मोबाइल मार्केट है, उस वक्त मोबाइल मार्केट नहीं बनी थी, उस वक्त सिर्फ चंद दुकानें थी और बहुत ही लिमिटेड काम हुआ करता था उस वक्त। मैंने वहां पे बैठ के जो है मोबाइल्स के हवाले से जो है मैंने मोबाइल की डाउनलोडिंग, मोबाइल का सॉफ्टवेयर फ्लैशिंग वगैरह और ये सारा काम मैंने वहां पे किया भी, बैठ के सीखा भी और जो है वहां पे मैंने उससे मैंने फिर जो है अपनी अर्निंग भी की। और उस वक्त जो है जब इस वक्त मैंने मोबाइल का काम स्टार्ट किया था सीखना, उस वक्त सैमसंग फोन होते थे, उस वक्त एंड्रॉइड नहीं आया था, बहुत पुरानी आपको बात बता रहा हूं, 2003-2004 की मैं आपको बात बता रहा हूं। तो उससे चलते चलते मैंने जो है अपनी फील्ड से मैं कनेक्टेड रहा, उसके बाद फिर स्टडीज मैट्रिक
किया मैंने मैट्रिक के बाद, फिर जो है इंटर स्टार्ट हुआ है, इंटर में आया तो इंटर में ये होता है कि थोड़ा सा जो है फिर हमें कॉलेज लाइफ में आ गए तो थोड़ा रिलैक्सेशन मिल गया और थोड़ा हमारे पास टाइम भी स्पेयर हो गया। तो फिर मैंने जो है एक और इसी तरीके से शॉप जो थी उस पर जो है मैंने बैठ के जो है डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का काम सीखा और अपनी इसी कंप्यूटर से रिलेटेड फील्ड के अंदर मैंने डॉक्यूमेंटेशन और ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर मैंने एक्सपर्टीज हासिल करी। इसके बाद फिर जो है चलते इंटर मेरा कंप्लीट हुआ और उसके बाद जो है मैंने फिर जो मैंने अपनी फर्स्ट जॉब स्टार्ट करी प्रोफेशनल करियर का, अगर आप बात करते हैं प्रोफेशनल जो मैंने करियर जो है अपना ज्वाइन किया वो मैंने 2007 के अंदर मैंने एक बहुत बड़ी पब्लिशिंग कंपनी थी उसके अंदर मैंने जो है ज्वाइनिंग करी और एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर मैंने वहां पे ज्वाइन किया। एक महीना मैंने तकरीबन कंप्यूटर ऑपरेटर की वहां पे मैंने जॉब करी और बड़ी अच्छी मैंने सर्विसेज उनको दी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद कुदरत को कुछ और मंजूर था तो जो काम मैं जिस काम के लिए हायर हुआ था वो काम उस तरीके से हो नहीं सका और वहां पे जो नीड आ गई उनको वो सेल्स और मार्केटिंग के हवाले से लोगों की आ गई। अब मैं क्योंकि मेरी क्वालिफिकेशन जो है थोड़ी बहुत उस तक अच्छी थी और प्रेजेंटेबल था, प्रेजेंटेशन मेरी बड़ी अच्छी थी, तो मुझे जो मेरे ऑनर थे उन्होंने ऑफर करी कि आप जो है कंप्यूटर की जो फील्ड है इसको छोड़ें, इसमें तो इतना कोई स्कोप नहीं है, आप सेल्स मार्केटिंग के फील्ड के अंदर आएं और जो है इसमें आपको जो है ना बहुत फायदा मिलेगा, आपके जो स्टिपेंड वगैरह हैं आपकी जो जितने भी आपके समझ लें कि सैलरी पैकेजेस वगैरह हैं वो बहुत डबल हो जाएंगे आपके और आपको इसमें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं सेल्स मार्केटिंग के हवाले से, तो आप इसमें स्विच करें। अब उस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आया मुझे क्योंकि उस वक्त जो है 2007 में 2008 के अंदर जो है इतना ज्यादा ग्राफिक्स का और कंप्यूटर्स वगैरह का जो है यहाँ पे पाकिस्तान में दौर नहीं था, ना कोई आगे कोई ऐसा चार नजर आ रहा था, तो मैंने अपनी स्विच किया फील्ड को और मैं सेल्स एंड मार्केटिंग की फील्ड में आ गया। सेल्स एंड मार्केटिंग की फील्ड में आया तो मुझे बहुत मजा आया, सेल्स एंड मार्केटिंग में लोगों से मिलना, नए नए लोगों से बातचीत करना, उनसे नए पियास बनाना, अपने प्रोडक्ट्स को जो है डिफाइन करना, अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करना, सैम्पलिंग करना, और फिर सबसे बड़ी बात ये कि उस काम फील्ड का होता था, हमें घूमना पड़ता था पूरे शहर में, शहर से बाहर भी जाना पड़ता था, तो मुझे इस काम में बड़ा मजा आया, तो मैंने फिर अपनी जो कंप्यूटर की फील्ड थी उसको थोड़ी देर के लिए मैंने क्विट किया और मैं इस फील्ड से कनेक्टेड हो गया। सेल्स मार्केटिंग करते 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 मुझे तकरीबन आज जो है कोई 15 साल मुझे तकरीबन हो गए हैं और मैंने मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव से जो है अपने करियर का स्टार्ट किया था, उसके बाद से फिर मैं सेल्स ऑफिसर, फिर बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर, सीनियर बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर, उसके बाद एरिया मैनेजर और फिर सेल्स मैनेजर, अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है मैं एक मैनेजरल पोस्ट पे हूं और मैं पूरी मार्केटिंग टीम को अपनी जो है हेड करता हूं अपनी कंपनी की, और इसके अलावा ट्रेनिंग सेशंस वगैरह मैं कराता हूं। कोविड से पहले 2019 के अंदर जो है मैंने एक हैदराबाद के अंदर लाल किला के अंदर मेरी प्रेजेंटेशन एक हुई थी, वो मैंने कराई तकरीबन 70 लोगों को जो है उस वक्त मैंने एक वर्कशॉप कराई थी और वो 70 लोग जो उस वक्त बैठे हुए मुझे सुन रहे थे वो कोई आम लोग नहीं थे, वो किसी स्कूल का प्रिंसिपल था, कोई किसी स्कूल का ऑनर था, कोई किसी एकेडमिक से रिलेटेड था, कोई किसी इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड बंदा था, इवन के वहां पे बोर्ड के हवाले से भी जो लोग होते हैं और खुद मीरपुर खास बोर्ड के चेयरमैन जो है वो भी वहां पे मौजूद थे और उन्होंने मुझे सुना और काफी जो है मेरी हौसला अफजाई भी की और मुझे काफी दाद दी। इसी तरीके से ये सिलसिला चलता रहा। बीच में जो है जो मेरा टाइम पीरियड गुजरा उसमें मैंने बहुत सारी जो है कंपनीज में मैंने इंटर्नशिप करी, मैंने टेलीकम्युनिकेशन के अंदर इंटर्नशिप करी, मैंने जो है पिज़्ज़ा हट का आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़ी मल्टीनेशनल रेस्टोरेंट है, पिज़्ज़ा हट चेन है, उसके अंदर भी मैंने जो है इंटर्नशिप करी और उसमें मैंने तकरीबन 1 से 1.5 साल मैंने जो है एज ए असिस्टेंट मैनेजर मैंने ऑपरेशंस जो है वहां पे काम किया और वहां पे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, वहां से मैंने कोर्सेज भी उन्होंने मुझे करवाए काफी हॉस्पिटैलिटी के हवाले से, ऑपरेशंस के हवाले से मैंने चीजें सीखी और ये सिलसिला जो है चलता रहा। बीच में जो है मैंने इस सारे दौरानिए के अंदर जो है थोड़ा सा जो है मैं अपनी फील्ड से जो है डिस्कनेक्ट हो गया था कंप्यूटर्स की, लेकिन ये कि कुछ सालों के बाद जो है 2009-2010 के अंदर जो है ये फील्ड एकदम से जो है ग्राफिक डिजाइनिंग की और कंप्यूटर्स की जो एकदम से बूस्ट की, क्योंकि जो है टेक्नोलॉजी जो है आना शुरू हो गई थी पाकिस्तान में भी, तो फिर जो है मैं थोड़ा सा उससे भी कनेक्टेड रहा और फिर थोड़ा सा जो है मैं अपना सेल्स एंड मार्केटिंग के हवाले से भी मैं अपनी जो चीजें थी वो मैं देखता रहा। जो मैंने मार्केटिंग के अंदर फिर मैंने जो है इंटर अपना जो है जॉब के साथ साथ ही मैंने कंटिन्यू करी अपनी एजुकेशन भी, मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने मास्टर्स किया क्योंकि मैं मार्केटिंग की फील्ड से रिलेटेड था, इसीलिए मैंने मार्केटिंग जो है अपनी जो है स्पेशलिटी जो अपना जो फैकल्टी थी वो मार्केटिंग थी, मास्टर्स के अंदर मार्केटिंग में मैंने मास्टर्स किया और इसी तरीके से मैं चीजों को लेकर जो है आगे चलता रहा। पीछे जितने भी दौरानिए में मैं आपको ये 15-16 साल की जो आपको पूरी मैं स्टोरी सुना रहा हूँ इसमें मैंने छोटे 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 बहुत सारे काम किए हैं और बहुत सारी मैंने छोटी छोटी वर्कशॉप्स की हैं, कोई ऐसा काम शायद नहीं होगा जो मैंने नहीं किया। और मैंने जो है इसके अंदर मैंने टेलीकम्युनिकेशन का काम भी सीखा, मैंने टेलरिंग का काम भी सीखा, मैंने सेलमैनी का काम भी सीखा, मैंने जो है ड्राइविंग का काम भी मैंने सीखा, मैंने कोई ऐसा काम नहीं होगा मेरे ख्याल से जो मैंने जो है इस दौरानिए में मैंने जो है नहीं किया, मैंने सारे काम सीखे और मैंने सारी चीजों का एक्सपोजर लिया और मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर प्रोफेशनल करियर के अंदर भी मैंने अपनी उम्र से ज्यादा 2 गुना ज्यादा 3 गुना ज्यादा बड़े उम्र के लोगों के साथ मैंने काम किया, मैंने उनके साथ तजुर्बा लिया और आज जो मैं बातें बैठ के कर रहा होता हूँ और जो मैं बातें और मैं रिसर्चेस आपको बता रहा होता हूँ ये मेरी सारी वही 16-17 साल की मेरी स्ट्रगल है, वो सारा मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं अब आपको बता रहा होता हूँ और आपको बयान कर रहा होता हूँ, ये
मैंने सारी चीजें जिंदगी के अंदर मैंने सीखी है और मैं चाहता हूँ कि ये चीजें मैं अपने जो मेरे जूनियर्स हैं, मेरे जो टीनेजर्स हैं या जो यूथ हमारी जो अब आ रही है उनको उनके साथ मैं शेयर करूँ, उनको मैं जो है ये चीजें बताऊँ कि किस तरीके से जो है जिंदगी के अंदर जो है स्ट्रगल इंसान को करनी पड़ती है, किस तरीके से अचीवमेंट जो है लोगों को करनी पड़ती है। बाज दफा लोग आपके ऊपर सवाल भी उठाते हैं बहुत से कि जो है आपने जिंदगी में क्या किया है, तो उनको बताना पड़ता है, उनको जताना पड़ता है कि आपकी जिंदगी में अंदर क्या अचीवमेंट्स रही हैं। तो यही मेरा जो है वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद था वो यही था। उम्मीद करता हूँ कि जो है आप लोगों को जो है बहुत सारी चीजें जो है इस हवाले से क्लियर हुई होंगी। फिर भी अगर मेरी मेरे एक्सपीरियंस के हवाले से, मेरी क्वालिफिकेशन के हवाले से, मेरे एक्सपोजर के हवाले से किसी को भी मेरे व्यूअर को कोई डाउट होता है तो वो मुझसे बिल्कुल जो है आस्किंग कर सकता है, ईमेल में, इंस्टाग्राम के थ्रू, कॉमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी चीज। और जो है इसके हवाले से भी अगर इसके अलावा भी आप मुझसे कोई गाइडेंस देना चाहते हैं, कोई कंसल्टेंसी देना चाहते हैं तो एनी टाइम मैं आपके लिए जो है अवेलेबल हूँ। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो है वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अगर ये छोटी सी मेरी कोशिश थी पसंद आई है तो इसको लाइक लाजमी कीजिएगा, कमेंट करके अपने एक्सप्रेशंस का लाजमी इजहार कीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह लाइक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।